धारा व्रत के मंगल गाता गाते हैं। सृष्टि विजय एवं विजया की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा दे रहे उपदेश श्री गुरुवर जंगले माई। एक या तुमाई सार्य द्याहो बवि और माई। बिन आराधन के जीव कहीं भी सुख ना पाते हैं। विजय एवं विजया की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा। एक विशाल संघ मुनिराज श्री जंगल में विराजमान थे, और जंगल में मुनिराज विराजमान हैं, और बड़ा विशाल समूह उन महा मुनिराज का मंगल उपदेश सुन रहा है। कोई जन बड़े भक्ति से नमन कर रहे हैं। अंतर मगन गन है, अंतर मगन है बार नगन, अंतर में मंगल है जंगल गवाई है। अंतर मगन है बार नगन, अंतरंग में मगन है बाहर में नग्न। दिगंबर मुनिराज बियाबान जंगल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्यों भैया? ये भैया थोड़े से आप ऐसे बैठो, थोड़े से ये पीछे वालों के चेहरे दिखे मुझे। ये मैं ही नहीं दिखूंगा तो जंगल कहां से दिखे? अंतर में मग्न मुनिराज, अंदर की महिमा दिखाने वाले मुनिराज क्या कह रहे थे? हे भव्य, तू प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, गुण भेदों के पार है, अवध स्पृष्ट अनन नियत अविशेष असंयुक्त मई, शुद्ध न्याय का विषय जो है वो भगवान परमात्मा है। उस भगवान परमात्मा के अंदर में दर्शन करो। एक आत्मा सार है और जगत तो असार है। असार के लिए कभी सार मत छोड़ना। व्यवहार ने की शरण का लेते हुए बोले तो प्रातः काल की ब्रह्म बेला का सार है, पंच परमिष्टि का स्मरण है और पंचम भाव का स्मरण है। असार विस्तर को छोड़ करके सारभूत सामाय की शरण ग्रहण कर लेना। असार इधर उधर की वार्ता लौकिक छोड़कर सारभूत जिन पूजा में लग जाना, सारभूत स्वाध्याय करना और इनमें सार आत्म तत्व की शरण ग्रहण करना। मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, और क्या उपदेश दे रहे हैं? भव्य जीवो, एक आत्मा ज्ञाता द्रव्य वही सार है। और क्या कह रहे हैं? बिन आत्म ज्ञान के ही प्राणी इन विष भोगों में फंस जाए। आज ही पंडित साहब का प्रवचन सुन रहा था मैं, वो बोले संसार की ओर देखने से कभी संसार का त्याग हो ही नहीं सकता। क्यों? संसार की ओर देखने पर आज तक किसी ने संसार का त्याग कर नहीं पाया है। सार की ओर देखने से संसार छूटता है। अगर बालक अर्थात शुद्ध आत्मा के आश्रय से संसार छूटता है, बालक हाथ में हथियार लिए हुए है तो अगर उसके हथियार छुड़वाना है, दोनों हाथों उसने चाकू पकड़ लिए तो क्या करो? बाबू जी बोलो, वो हाथ में चाकू पकड़े और देना नहीं चाह रहा और आप खींचोगे तो क्या होगा? हाथ कट जाएंगे। उपाय क्या है? कोई है माता है भैया लोगों का? बोलो, सामने तो आप ही हो, आपके सामने ही बालक होगा,
उपाय है, दोनों हाथों में वो चाकू पकड़े हैं। क्या उपाय है, कछु है कि नहीं है? अरे भैया आत्मा की बात नहीं तो बच्चे की बात तो बता दो। हाँ उसको खिलौना दे दो, क्या करेगा वो? उसको फेंक देगा। ऐसे ही ये जीव भोगों को छोड़ना चाहता और ज्ञान भगवान मुनिराज हमारे आत्मा देते हैं, तत्काल छोड़ देता है। उत्कृष्ट वस्तु के मिलने पर निकृष्ट वस्तु छूटती है। पकड़ में आया? हम एक बार ऐसी बच्चों को सिखा रहे थे, छोटे बच्चों ऐसे गाना नहीं गाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, गंदे चित्र नहीं देखना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए। तो पंडित साहब हम सुन रहे, बोले बेटा तुमने 50 बार ये कहा नहीं देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं गाना चाहिए, पर ये नहीं सिखाया क्या गाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तुम कहोगे नहीं गाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए, लेकिन अच्छा गाना सिखा दो ना उन्हें। हैं? प्रभु दर्शन नित करे ते रात्रि भोजन, प्रातः उठ करके नमो करे तुम पढ़ना। आगे बोलो। चिंतन का ये याद करा दो उनको तो खोटा गाना स्वयं बंद कर देंगे। हमारे आचार्य भगवान ने सार के बल पर असार छुड़ाया है, असार छुड़ाया नहीं, असार छूट गया है। पर ध्यान रखना, एक शैली ऐसी भी होती है तो यहां कहेंगे तू असार को छोड़ तो तुझे सार मिलेगा, वो इधर से कहेंगे तो तू सार को ग्रहण कर तो असार मिलेगा। असार छूटेगा, मिलेगा नहीं छूटेगा। समझ में आया? क्या कह रहे थे मुनिराज ने? पहले ब्रह्मचर्य का उपदेश देना था उनको सभा में, और वो क्या बोले? आत्मा सार। और क्या बोलते हैं? बिने आत्म ज्ञान के ही प्राणी इन भोगों में फंस जाए, जो कप में मक्की फंसी हुई तो तड़प तड़प दुख पाए। आनंद में ब्रह्मचर्य धरो, गुरु वचन सुनाते हैं, सृष्टि विजय बम विजया की गाता गाते हैं। सुनो जी, महाराज हम कैसे ब्रह्मचर्य धारण करें, किसके बल पर धारण करें? तो मुनिराज क्या कहते, किसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं? प्रकरण क्या चल रहा है? मुनिराज श्री जंगल में उपदेश। अपना सुख अपने में ये निर्णय तुम करना, मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा ऐसी श्रद्धा धरना, फिर उसी में रमणी करो यही गुरु विधि सिखाते हैं। विजय एवं विजया की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। नहीं तो कह दो धन उपदेश दे रहे थे और क्या बोले हैं? तुम अंतर का निर्णय करो, न विवाड़ो से सहित हो तुम ब्रह्मचर पालो, निज ब्रह्म स्वरूप में ही अपनी परनति डालो, नित्यानंद मई जीवन की यही नींव दिखाते हैं। विजय एवं विजया की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल। मुनिराज ने जो उपदेश दिया है ब्रह्मचर्य का, वैराग्य का उपदेश दिया, अनेक जीव कुछ शील वृत्तो आजीवन लियाई, लेकिन किसी ने अष्टानिका का दस लक्षण का नियम तो होते ही हैं, अनेक अनेक प्रकार के नियम लेते भाई, तब उस सभा में दो इधर युवक बालक, युवक विजय और उधर विद्या बैठे उपदेश सुन रहे हैं।
अंदर में भाव है आया आजीवन ब्रह्मचर्य अंगीकार कर ले, परंतु थोड़ा सा राग विकल्प सता गया, गुरुज माता पिता आदि का विकल्प अथवा स्वयं का राग, तो फिर संकल्प करके विजय मुनिराज के निकट गए हैं है? और जा करके क्या करते हैं, सुने उपदेश विजय कुमार गुरु के निकट आया, शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य ले और मैं अरसाया। कौन से पक्ष का ले लिया? विवाह के पहले शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य ले लिया। उपदेश सुन होते विरक्त बेई पात्र काते हैं, विजय बम विजया की हम कथा सुनाते हैं। विशाल समूह चला गया और वो कन्या ने भी मुनिराज की साक्षी दी, क्योंकि बहने मुनिराज के निकट आने का योग नहीं बनता है, तो वही साक्षी दे करके थोड़ी देर बाद एक कन्या की भावना जागे, कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य ले परिणति निज में ही पागी। धन्य है वे जीव जिन्हें ये भाव भी आते हैं, विजय एवं जो ऐसे व्रतों को धारण करते हैं वे तो धन्य हैं ही, लेकिन जिनके अंदर ऐसे भाव भी आते हैं, क्या कहा? आहा, जीवन तो ऐसा ही जीना चाहिए, इस काल विषय जहां सील के ठिकाने नहीं है, जहां श्रावक की सामान्य चर्या नहीं पाल पा रहे हैं, वहां कोई व्रतों को महाव्रतों को ब्रह्मचर्य आदि को आजीवन, जहां चौराहे पर बच्चों के ठिकाने नहीं, मोबाइल आदि के संस्कारों से सील के संयम के ठिकाने नहीं, वहां कोई पवित्र आत्मा इस काल में भी ब्रह्मचर्य पालते हैं, आचार्य भगवान परमात्म प्रकाश जी में कहते हैं इस काल में जो संयम धारण करें धर्म धारण करें तो इस काल का आश्चर्य समझना। क्यों? परमात्म प्रकाश में महाराज कहते हैं कि पहले चौथे काल में तो केवलियों का समूह, हजारों मुनिराजों का समूह, आरिका माताजियों का समूह विचरण करता था, और सुनो अवधि ज्ञानी मन पर्याय ज्ञानी रिद्धिधारी मुनि होते थे, जिनकी रिद्धियां देख करके लोग धर्म में लग जाया करते थे। अभी केवल ज्ञान हुआ हो समोह शरण रच गया और इंद्र आकर के चरणों में झुक रहे हैं, ओ धन्य धर्म, तो उनको वो सामने दिखाई देता था। अनेक रिद्धिधारी मुनिराज केवल ज्ञानी भगवंत बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा आकर के जिन पूजा रचाया करते थे, जैसे आपका आज को उदाहरण दें, आपका प्रधानमंत्री है और वो आकर मंदिर में पूजा करने लगे तो आप लोग करोगे कि नहीं? सब दौड़ पड़ोगे, भैया भी अपने मंदिर में आकर पूजा कर रहे हैं, मोदी जी आए पूजा धोती दुपट्टा पहन के पूजा कर रहे, तो भैया कछु 10-20 तो उन्हें देख लीजिए जाके है। तो चक्रवर्ती जब पूजन कर रहे होते हैं तो पूजा नगर तो वो उस समय धर्म बड़ा सहज और सरल था, लेकिन इस पंचम काल में जो कोई जिन पूजा आराधना व्रत नियम संयम आदि पालते हुए धर्म धारण करते हैं, सो इस काल का चमत्कार समझना, आश्चर्य समझना, ऐसे जीवों के भव नहीं हुआ करते। पंचम काल में थोड़ी भी जो धर्म साधना कर रहे हैं वे रखड़ने वाले, क्योंकि ऐसे काल में धर्म आराधना कर रहे हैं, क्या हुआ? धन्य है वे जीव जिनको ऐसे भाव भी आते हैं। दोनों नियम लेकर के चले गए, चूंकि विवाह आदि कार्य तो गुरुजनों के हाथ में होते हैं,
और कालांतर में क्या होता है? संयोग उदयाधीन किसको कौन मिलाए, विजय एवं विजया का हो गया विवाह। किनका? अब बताओ, अगर मूड से पूछें, अज्ञानी से पूछें तो लगेगा ये तो अच्छा, इनका एक का कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य और एक का शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य है। पर देखो ज्ञानी वहां डालते हैं, क्या कहते हैं, भोगों में अंतराय को ज्ञानी पुण्य समझते हैं, विजय एवं विजया की हम सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा, अगर भोगों में अंतराय पड़ जाए तो ज्ञानी उसको पुण्य समझते हैं। ज्ञानी तो कहा करते हैं कि ये अंतराय कर्म यदि मैं मोहिनी से प्रेरित होता हुआ इन भोगों में रमने जाऊं तो तू अंतराय करना, तू विघ्न करना, मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। अरे खोटे कामों में विघ्न हो जाए सो बोलो अच्छा है कि बुरा? तो धर्मात्मा कहते हैं कि हमें संसार में, धर्मात्मा जान तो भावना क्या बात है प्रभु, संसार में अनुकूलताएं ना मिले। कह रहे ऐसी भावना बात है, हैं? क्यों? मुझे तो संसार जैसा है वैसा दिखाई दे जिससे कि मैं इसमें फंस ना पाऊं। बताओ एक घर में आप जा रही हो और मंदिर से 11 बजे ये पढ़ के लेन गई हो मंदिर जी में से, जो संसार विशेष को तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय कौशल साधन करते संयम सो। जब सुन सुना के 11 बजे मंदिर गई तो बहू जैसी देखा और प्रवेश हुआ, बोले आ गई, समझ गया ना, इनको तो हम ही देखते रहे। अरे बेटा आज पंडित जी आ गए, वे कथा ले रहे थे, सो अब वो कथा में फिर उस पाठ में हमें 11 बज गए, आज तुम्हारे 11 बज गए, हमारे तो यहां इन्हें को देकर लगे का करे कैसा है। अब बेटा गलती तो हो गई, अब जो कछू भोजन मेरा समय हो रहा है सामायिक करना है, हाँ जी धरो तुम्हारा भोजन, जबर पटक के भोजन दे रही है, हैं? पटक के वैसा बोल रही है। तो का याद आ रहा, जो संसार विशेष को हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, पर तीर्थंकर को संसार ऐसो नहीं हो, तीर्थंकर को तो इंद्र जैसा सेवक खड़ा है। दूसरी ओर गई 11 बजे जैसी आप पहुंचे हैं, माता जी आ गई, आप बहुत देर हो गई आपको, हमने आपसे कहा है आप मंदिर में आराम से रहो, कोई मने नहीं है, परंतु दर्शन पूजा करके कुछ ले जाया करो, गर्मी का समय है, हमें कछु चिंता नहीं। बेटा इतना काम पड़ा था तुम परेशान। अरे काय की परेशानी माता जी, आप धर्म आराधना कर रही हो यही हमारो सौभाग्य है। बोली बेटा वो बच्चों को, अब बच्चों को क्या देखना है माता जी, आप तो भोजन करो, आपकी सामाय का काल हो रहा है। अब वो बैठ गई बहू, बेटा अब तू अपनो काम कर। नहीं माता जी आप वो पंखा नहीं चलाती हो सो हवा करने के लिए। अरे बेटा काय को समय अपनो बर्बाद कर रही हूँ, हम तो कर लेंगे। नहीं माता जी आप जैसे बुजुर्गों की शोभा का सेवा का सौभाग्य हमें कहाँ रखा, जैसी होती बेटा थोड़ा सहयोग करवा। नहीं तुम्हारी हमने चौकी पहले ही लगा दी है, वहां पर जनवाणी विराजमान है, माला रखिए, आप अपनी माला फेरो, आप वो करो। नहीं बेटा अब जैसी जा रही है, जो संसार विशेष को हो तो, याद आ रहा हो कि नहीं आ रहा है?
बोलो उस समय याद आता है कि नहीं आता? अगर उस समय माता जी सम कहे माता जी अब आप छोड़ के, अरे पंडित जी हमारे तो घर में ही मंदिर है। बोलो भाई जब वो प्रतिकूल सही संसार मिलता है तब जाना वेद ज्ञान के अनुकूलता में जाना वेद ज्ञान होता है। पर ध्यान रखना ना प्रतिकूलता से वेद ज्ञान होता है ना अनुकूलता से होता है। जब स्वभाव मिल जाता है तो अनुकूलताओं के प्रतिकूलताओं सब प्रतिकूल दिखाई देते हैं। ज्ञानी को कितना ही संसार आ जाए ज्ञानी को फंसाने वाला कोई नहीं है। कमल हमेशा ऊंचा रहा करता है, चाहे कितना ही पानी आता जाए कमल तो ऊपर 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 रहता है। ज्ञानी किसी की प्रपंचों में पड़ने वाले नहीं होते हैं। और क्या किया है, बोली विजया स्वामी कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर लिया गुरु से मैंने आनंददाई है ब्रह्मचर तू भाग्यशाली है कहकर। जैसे ही हे नाथ कृष्ण पक्ष का समय चल रहा था विजय कुमार सेठ विजया के निकट गए हैं और जाकर बोलती हैं स्वामी कुछ दिवसों का समय है। क्या बात है, बोले मैंने नियम लिया था एक विशाल जंगल जहां पर दिगंबर मुनिराज उपदेश दे रहे थे और ब्रह्मचर्य का ऐसा उपदेश दे रहे थे कि हे नाथ ऐसा भाव आ गया था कि जीवन भर इसको अंगीकार कर ले, परंतु आरिका पद में रहकर साधना की इतनी ताकत भी नहीं थी। गृहस्थी जीवन जीने का विकल्प कुछ राग सता गया, तब मैंने वहीं बैठे बैठे संकल्प लिया कि कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य की साधना आजीवन करेंगे। विजय कुमार बोले वो विशाल सभा, बोले हाँ। मुनिराज थे, बोले हाँ। वो जंगल था, बोले हाँ। अरे वहां तो हम भी थे हैं? और आप क्या बोले हैं वो कि तुमने कृष्ण पक्ष का लिया है, तो क्या बोले वो, ये नहीं कहा ये क्या किया, तू भाग्यशाली है। क्या बोले, हमेशा किसी के नियम और संयम की अनुमोदना करना चाहिए। तू भाग्यशाली है कै विजय कुंवर सुख पाते हैं सृष्टि विजय एवं विजया की कथा सुनाते हैं। सुनो जी देखो थोड़ा थोड़ा रात्रि का समय है ना, तो जब बीच में भक्ति वगैरह बोले तो हिलजुल जाया करो, तो हमें डर लगता है किस बात का कि कहीं आप कहीं और कहीं ना चले जाओ, नहीं कथा सुनते सुनते पूछ का है पंडित जी ने कहा सुना दो, हम तो कहाँ चलेगा कि हम तो चले गए थे कब। क्या हुआ है, जैसे ही उन्होंने कहा कि तू तो सौभाग्यशाली है जो तूने ऐसा नियम लिया, और विजय कुमार अपनी मर्यादा में दूर बैठ जाते हैं, बोले अब सुनो मेरा भी कुछ नियम था। मैंने भी श्री गुरु से शुक्ल पक्ष का नियम लिया। तुमने कृष्ण पक्ष का लिया था तो मैंने, और सुनो कितनी प्यारी लेन है, सौभाग्य ने हम दोनों को आज मिला दिया। क्या दुर्भाग्य नहीं, हाँ क्या आप पढ़ जाते हो ऐसी कहानियां, इसलिए तो कह रहा है आपने तो कहानी आधी अधूरी सुनी और पढ़ी है, लेकिन वो गहराइयां कहां देखी हैं, हैं? वो क्या कह रहे हैं कि ये सौभाग्य ने हम दोनों को मिला दिया। क्यों मिला दिया, देख संयम का अवसर दोनों सुख पाते हैं विजय एवं विजया की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा, बोले आज तो अपना सौभाग्य आ गया कि तुमने कृष्ण का लिया और मैंने
शुक्ल पक्ष का लिया, अर्थात अब तो संयम पालने का पूरा अवसर मिल गया है। मैं आओ आनंद का मंगल अवसर आया। अब जो तो वैसे लोग कहानी पढ़े ना, उनको तो लगा तो रो रहे होंगे, अरे आनंद मना रहा है, क्या कह रहे है? ये तो हमारे आनंद का अवसर आया है। क्यों? हमें भी संयम पालने का भाव था, तुम्हें भी संयम पालने का भाव था, लेकिन वो राग बीच में बाधक बन गया था, और आज उस राग को तोड़ने वाला संयम रूपी अस्त्र हमारे सामने आ गया है। बड़ा सौभाग्य। बोले हाउ आनंद का मंगल में अवसर आया, ध्याएंगे चिदानंद आत्मा और माई जो बाया, ध्रुव के आश्रय में ध्रुव सुख योगा लख अर साते हैं, विजय एवं विजया की हम जी मंगल जैन पुराण आसो। और क्या करेंगे अपन? बोले जगत तो लूट लेगा हमें, अभी वाले लोग समझाने वाले मिल जाएंगे, हैं कछु तो नियम है वैसा कर लो, कुल की परंपरा कैसे चलेगी, नान माता पिता समझाएंगे, लौकिक जन समझाएंगे, इसीलिए जगत से गुप्त रहेंगे, सबके सामने तो हम पति पत्नी जैसे दिखाई देंगे, लेकिन आज से तुम हमारी बहन भाई। हाँ, क्या दशा होगी उनकी कि प्रथम दिन ही अंगीकार कर लिया कि तुम हमारी बहन हो, हम तुम्हारे भाई की तरह, हम बहन भाई की तरह रहेंगे अंतरंग में, और गुप्त होकर के जगत से गुप्त होकर के रहेंगे, किसी को खबर भी नहीं पड़ने देंगे। गुप्त रह कर जग से आओ, हम ब्रह्मचर्य पालेंगे, यदि जग में ख्याति हुई तो दीक्षा ले लेंगे। और यदि जगत में किसी को पता चल गया तो क्या करेंगे? फिर घर में स्वरूप गुप्त रे साधक ब्रह्मचर्य पालते हैं, विजय एवं विजया की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल आत्मन जगत ख्याति में आत्म ख्याति रह जाए, जगत से परिचय करके आत्म परिचय रह जाए। अगर जगत की ख्याति में पढ़ोगे तो आत्मा की प्रसिद्धि, और जगत के प्रपंचों में पढ़ते रहोगे तो आत्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। करो आत्मा का परिचय गुरु वचन सुनाते हैं, विजय एवं विजया की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा। परे गुप्त रह करके आकर के घंटों स्वाध्याय करें दोनों, हैं माता पिता भी देखें कि ये ग्रस्त हैं कि साधक हैं, देखें तो ऐसे स्वाध्याय तत्व चर्चा हैं, जिन भगवंतों की सेवा, पात्रों को दान, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, बड़ा पवित्र जीवन, सबके साथ बड़ा प्रेम भरा व्यवहार, वात्सल्य पूर्ण व्यवहार, और क्षण क्षण में अपने परमार्थ को साधते रहते, बड़े प्रसन्नता पूर्वक साधना कर रहे हैं, और साधना करते करते बहुत दिन हो गए। माता पिता को भी ये विकल्प रहा करता था कि हमारा कुलदीपक मानो नाती, समझ में तो तृष्णा कभी खत्म होती है क्या? हैं? समझ में नहीं आए बेटा का बात है, आज की भाषा कहें तो कहीं दिखाया हो। अब क्या दिखाया? देख लिया अथवा संयम देख लिया? जिस असंयम की तुम फल कहते हो, संयम का सेवन है ही नहीं है। जैसे साधना करने वालों के पाप का उदय कहां से आ जाए, ब्रह्मचर्य साधने वालों को जिस दशा कहां से, संसार खड़ा कहां से हो जाए,
और बड़े गुप्त होकर के साधना कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए साधना करते करते, और एक बार उसी नगर का बड़ा सेठ, बड़ा धर्मात्मा थे, उनके यहां पर एक दिगंबर महामुनिराज का हार हुआ। चलो भक्ति पढ़ लो। मुनि महाराज जी रिद्धिदारी थे और सेठ के यहां पर हार हो रहा है। पढ़ियो भक्ति भैया, न गा बजा लो जा सके जाग जाओगे। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, मुनिवर मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में। और सेठ के यहां पर हार हो रहा, और हार होते होते उन मुनिराज की पवित्रता का प्रताप कि सेठ का जो चंदेवड़ा था वो सामान्य श्वेत था तो एकदम और धवल हो गया, पूरा चमचमा उठा। चंदोबा मानते थे पहले हैं, तो धवल हो गया। और ये क्या प्रभाव है कि मुनिराज का प्रभाव है और तुम्हारी पवित्रता का प्रभाव है। बोले ये धवल तब तक रहेगा जब तक तुम्हारा चौका पवित्र रहेगा, अर्थात इस चौके में कोई अपवित्रता प्रवेश नहीं करेगी। आज की भाषा कहें तो वो किचन हो जाएगा तो फिर वो धवल नहीं रह पाएगा। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, ये चौका होता है, चतुष्ट है। मैं आज तो चौका की परंपरा ही भूलते जा रहे हैं। आज तो बच्चे जानते नहीं क्या चौका होता है। अगर वो डंडा लगा दे तो पंडित जी को डंडा के अंदर क्यों बंद कर दिया था तुमने। हमारे रामायण मो वगैरह में परंपरा है कि अब पवित्र स्थान बारह बैठा रहे हैं, थोड़ा सा वैसा तो चारों तरफ डंडा लगा देते, जैसे कोई अशुद्ध कपड़ा वाला प्रवेश ना कर पाए। तो वो कह रहा, मम्मी पंडित जी को डंडा के अंदर क्यों बिठाया तुमने। कि बेटा उनके वो जो कपड़े शुद्ध थे ना, बच्चे सीखते हैं है? और हमने थाली धो करके शुद्धता हुआ अंश न छूट जाए, शुद्धि नहीं रह जाए, तो धो करके ले रहे। उस समय तो स्वास्थ्य ठीक था, वो खीर वीर बनी, धोया। माँ मम्मी पंडित जी को और दे दो, देखो ने थाली भी धो ली। कि बेटा थाली इसलिए नहीं धोई कि उसमें कोई मीठा ना रह जाए, अन्न के कण ना रह जाए, नहीं तो न जाने कहां पड़ेगा जाकर, विवेक तो है नहीं है? तो वो अच्छा, दूसरे दिन वैसे ही उसने पाटा लगाया, थाली धोई, मैं भी आज पंडित जी जैसे भोजन करूंगा। बैठ गया, पाटा लगा लिया, थाली अब मैं भी ऐसे ही धोऊंगा। मतलब जो बच्चे क्या करते हैं, जो देखते हैं भाई सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जो सिखाना है वो दिखाओ, आप जो दिखाओगे वो ही वो। बच्चों में जैसे संस्कार रहते हैं आप जैसे संस्कार दोगे। और ध्यान रखना, हम इधर भी विशाल सभा है, तो उन सबसे कहना चाहते हैं, बच्चों में संस्कार गर्व से ही पढ़ते हैं। कब से? अरे कुंद कुंद आदि भगवंत साचार भगवंतों के संस्कार गर्व से ही माताओं ने डाले, नहीं तो मदालसा की कथा सुनाएंगे जब कभी योग बनेगा तब। गर्व से ही संस्कार डालती थी। एक बहना बहन जी बोले, भैया जी एक आश्चर्य की बात बताएं। यहां बताओ क्या बात है। बोले हमारा बच्चा है मुश्किल से ही छह महीने का। बोले कहा बताएं, रोता है और हम इसको टीवी के सामने बिठा दें, रख दें तो बंद हो जाता है। टीवी के सामने ले जा चुप हो जाता है। कि तुमने 9 महीना टीवी देखी है ना, 9 माह तक क्या देखा है तुमने, टीवी देखी है तो वही के वही संस्कार चले गए। तो भैया बच्चों को तो वही जो सिखाना चाहते हो वही दिखाओ। तो सेठ जी का कथा में आते हैं, चंदोबा श्वेत हो गया था, लेकिन एक दिवस उनके घर पर बिनछानी रखी हुई थी चौके की, कुएं में जाती थी बिनछानी, आज के बच्चे तो जानते ही नहीं है। तो बिनछानी रखी और नई बहू आई थी तो उन्हें खबर नहीं थी, तो वो बिनछानी फैल गई। और जैसे ही बिनछानी फैली
कि चंदोबा काला हो गया। कैसा हो गया? महाराज जी ने कहा था जब तक चौका में शुद्धता रहेगी तब तक चंदोबा, अब तो बिल्कुल काला पड़ गया। सेठ जी घबराए, श्वेत चंदोबा भी काला पड़ गया तत्काल, कोई दोष हुआ नगर सृष्टि से अरे बिकराल, ये दोष ही उज्ज्वल जीवन को मलिन बनाते हैं, विजय एवं विजया की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आशो। महाराज जी के निकट गए हैं, गुरुवर ये कौन सा अपराध हो गया कि तुम्हारी बहू के द्वारा बिनछानी फैला दी गई है? आजकल तो बिनछानी के ही ठिकाने नहीं है। और कछु तो महान आत्मा है पंडित जी, हमारे घर तो थैली निकलते ही नहीं है। कौन सी थैली? जीवों की फांसी बांध देते नलों से और बंधी रहती है वो, और जीव मरते रहते हैं। हम कहते हैं किसी को जैसे कोई व्यक्ति ऊपर से गिरा और किसी ने उसको जाल में झेल लिया, धन्यवाद बढ़िया बात है झेला, लेकिन वो लटका ही रहा 10-20 दिन तक वहीं, कुछ दिक्कत तो नहीं है, मर जाएगा बेचारा। ऐसी वो जीवों को तुमने बिनछानी नहीं की तो क्या होगा उनका? भैया पानी छानने का प्रदर्शन मात मत किया करो है? एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव होते हैं? वैसे तो वो बिनछानी यथा योग्य पहुंचना चाहिए, अगर वो नहीं पहुंच पा रही है तो कम से कम आप अपना काम तो छने पानी से उसकी यथायोग बिनछानी तो कर दो, लटका तो मत रहने दो छन्नी को। क्या हुआ? बोले वो फैल गई बिनछानी, इसलिए काला हो गया तुम्हारा चौक। तो अब महाराज जी क्या उपाय है? उपाय बोले क्या बताएं? बोले महाराज जी आप तो बताओ हमें। बोले उस चौके में एक जोड़ा है आपके नगर में जो कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। महाराज जी अखंड ब्रह्मचर्य? बोले हां, गृहस्थ हैं गृहस्थ, और दोनों ही अखंड रूप से अस्सी धारा वृद्ध जो कहा है ना उसका पालन करते हैं। उनका जब हार हो जाएगा उस दिन तुम्हारा चंदोबा सदबल हो जाएगा। आप तो नगर वासियों को आमंत्रण करो, हैं बेटे थोड़ा दूर बैठे रहे ना, हिले ना वो है। पूरा नगर के तब महाराज जी मौन हो गए। आप जैसा चतुर होता तो क्या करता बताओ अशोक भाई साहब है? अब महाराज जी पूरे नगर को बुलाए हम ताकि जगह बता दो ना भी दो को है। सेठ जी ने समझा, अरे इस बहाने पूरे नगर के साधन भी हमारे यहां तो आएंगे, और चूल से आमंत्रण दे दिया। किनको? पूरे नगर का जितने भी हैं सब आए, नगर सृष्टि के यहां भोजन है आज। और सेठ जी तो बड़े व्यवहारवान थे, पवित्र थे, और बुलवाने के लिए सब गए तो पूरा नगर फूट पड़ा है और हार होने लगा। श्री गुरु ने प्राश्य दिया था सुखकारी, आहार कराओ असी व्रत धारक, आहार कराओ असी धारा व्रत पालक को अविकारी। जोड़ा सहित संपूर्ण नगर को वो बुलवाते हैं, विजय एवं विजया की हम कथा सुनाते। सुनो जी मंगल जैन पुरा। पूरा नगर आ गया, तब विजय एवं विजया दोनों विचारने लगे। नगर सेठकियां इतनी भीड़, अपन जाकर क्या करें? हम नहीं जा रहे, कहां इतना वो हो पाएगा, और पूरे नगर को तो उनसे अपना संबंध निभाना है।
हमें क्या करना है, ऐसी भीड़ में अपन को नहीं जाना। वो बे नहीं गए। बोलो भैया चंदोवा तो सब लोग कर करके जा रहे हैं उसमें, लेकिन बे नहीं गए। जावे चंदोवा काला का काला, सेठ घबराए। क्या बात है भाई, अपने नौकरों से सबसे पूछा, साधर्मियों से, पूरा नगर आ गया। बोले हां सेठ जी पूरा नगर आ चुका है। पूरा नगर आ गया, महाराज जी के वचन अन्यथा हो नहीं सकते हैं, उनने कहा अपना ही नगर है कोई ऐसा। बोले सब मांगलिक जितने भी जोड़े थे जिनका मंगा अच्छा अच्छा, वे सब पूरा नगर आ चुका है, कोई नहीं बचा। तब कोई बोला हैं कि हां एक जोड़ा बचा हुआ है, और सेठ जी अब उनको तो लोग कछु व्यवहार उनका रहता नहीं है, कि उनके तो बच्चे नहीं है, उनके तो बच्चे भी नहीं है। सेठ बोले बच्चे नहीं है तो हैं, और बोले अब वे जाते आते कम है, और वे ने क्या जाना आना। बोले अलग से विरक्त से रहते हैं वे तो सबसे अलग। सेठ बोले तब तो, क्योंकि अभी तक उन्हें नहीं कहा था कैसी धारा वालों को बुला रहे ऐसा कर रहे। सेठ तो सर सेठ जी हम बुलाए लाते, नहीं रुको रुको वे ऐसे नहीं आने वाले, हम समझ गए धर्मात्मा जब तक था योग्य विनय नहीं होगी। जैसे मुनिराज को नवदा भक्ति चाहिए तो श्रावकाचार्य जी में लिखते हैं कि यथा योग्य विनय पूर्वक श्रावक भी भोजन करते हैं। ऐसे नहीं है कि चाहे जैसा, यथा योग्य विनय मतलब उनके पद के योग, मुनिराज के योग करेंगे, पधारो अर्घ चढ़ाना, लेकिन एक विनय तो रखेंगे। मैं हम तो विनय भी करना भूल जाते हैं। एक बार एक बच्चा आया मेरे पास में, बेचारे बच्चों की क्या गलती, बड़ों की भी ऐसा हो जाता है, आया और खड़ा हो गया। हमने कहा क्यों भैया, बोले चलो। हमने कहा चले, रोटी खावे, चलो बेटा और क्या है? पहली बात तो उसने आकर मेरे सीधा बोला चलो, कहा चले, बोले रोटी खावे, अम्मा ने कही उधर का होता। इनके क्या कहे भाई, चलो भाई चलते हैं, कोई बात नहीं बच्चे ही तो है। लेकिन एक विनय के वचन हमारे लिए कभी भी, आचार्य महाराज लिखते हैं श्रावकाचार्य जी में कि विनय के वचन बोलने में क्या दरिद्रता रखना है। आप पधारे हो हमारा भाग्य है भाई, सौभाग्य है, अच्छे विनय के वचन हमारे धर्म। आप एक दूसरे साधर्मी के प्रति बड़े विनय के वचन, ये विनय का प्रदर्शन नहीं, अपनी विनय के योग्य वचन। सेठ गए, दौड़े दौड़े गए हैं और जाकर के बोले हैं कि आज जैसे सेठ जी घर जाकर बैठे हैं और बोले कुछ हमें खिलाओ, हम तो भूखे हैं। ओ जल्दी से भिजिया कुछ बोले आई और ला करके की का पान किया, भोजन खाया और हाथ जोड़ के बोले आप यही तो समझते थे कि आप हमें कैसे बुलाओगे, और तो सब बुला लेंगे, पर हम खुद ही आपके घर पर आए हैं, अब आपसे करवद्य निवेदन है कि भोजन के लिए पधारो। कि नहीं, अरे चरण पकड़ लिए सेठ ने, नगर सेठ और श्रेष्ठ विजय के चरण पकड़ करके बोलते हैं मेरा घर आंगन पावन हो जाएगा यदि आप पधार गए। अरे सेठ जी आपका वात्सल्य कैसी बात करते हो, और चल दिया भोजन के लिए। जब गए हैं जब विजय एवं विजया को आदर सहित लाए आहार होते ही, जैसे यार हुआ आहार होते ही चंदोवा स्वेत पाते हैं। विजय एवं विजया की हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल हो रही जय जयकार। जैसे यार हुआ बोलो परम पूज जैन धर्म की, ब्रह्मचर्य व्रत की, शील धर्म की, और चारों तरफ जयकारा, और वे नहीं देवगण आकर के जयकारा।
लगाने लगे, ओ रई जय जयकार। सेठ जी खड़े हो गए, अरे नगर वासियों, ये पवित्र मूर्तियां हमारे नगर में और हमें खबर भी? अरे तुमको पता है, मुनिराज ने कहा था जी अखंड ब्रह्मचर्य के पालने वाले हैं। अरे क्या कहें, निमित्त अकिंचित करे दिखाने वाले हैं हमारे लिए कि ऐसे निमित्त राग के निमित्त में रहकर वैराग्य की साधना, समझ में आया? दूर रहकर के साधना करना अलग बात है, लेकिन वहां बैठे हुए और ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य स्तुति कर रहे हैं सेठ और देव गणाकर जयकारा करने लगे हैं। बोलो परम पूज्य जैन धर्म की, हो रही जय जयकार। सुर नरी स्तुति करते, धनी धन्य है पुरुषार्थी है ब्रह्मचर पालते। निमित्त अकिंचित करे ये, क्या बता रहे हैं? शब्द सुना के नहीं सुना स्वाध्याय लो, निमित्त कुछ करने वाला? निमित्त अकिंचित करे ये, जीवन से सिखाते हैं विजय एवं विजया की। हम लोग कहते तो है निमित्त अकिंचित करो, प्रभावित निमित्तों से ही होते रहते हैं। वन्य जीवन से क्या सिखाया, ये तो जीवन से सिखा रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है। निमित्त अकिंचित कर है, उपादान बलवान जो होता है वह निमित्त कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ऐसा राग का योग और वैराग्य की साधना है। आओ धन्य पुरुषार्थी इनकी महिमा कई न जाए, राग के संयोग में भी ब्रह्मचर्य निर्दोष दिखाए। ऐसा राग का संयोग हो तो भी ऐसा ब्रह्मचर्य, उपादान की सच्ची महिमा ये ही दिखाते हैं। विजय एवं विजया की हम सुनाते हैं। सुनो जी मंगल, और जैसे जय जयकार हुए और विजय कुमार भी सोचने लगे सृष्टि ये क्या हो रहा है, ये सबको खबर कैसे पड़ गई? तो पता चला चंदोबा और देव आकर के धन्य आपका पुरुषार्थ, धन्य आपका पुरुषार्थ। और तब वो सेठ ने अपनी पगड़ी निकाली। कौन सेठ? बोले हम काय के श्रेष्ठ, श्रेष्ठ परिणामी ही सेठ होते, हम तो कहने के सेठ है। अरे नगर के स्वामी तो आप हो और आप ही हमारे मालिक हो, सब धन्य आपकी आराधना। और जब जय जयकार पूरा नगर बोलने लगा, धर्मात्मा जहां शरीर की प्रशंसाएं हुआ करती हैं वहां साधना का घात समझने लगते, कहीं इसमें हम फंस ना जाए, इनको संभालने में कहीं आत्मा से वंचित ना रह जाए। श्रद्धे बड़े पंडित जी साहब गुप्त गांव में क्यों रहते हैं ऐसे छुप छुप कर? वर्षों तक तो हम लोगों को पता भी नहीं था कि कोई ऐसे ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले। जब तुम्हारी गोरमी वगैरह के पत्र स्वानुभव पत्रावली के समय ये रचनाएं जो अभी छपी हैं वो यही ये तरीकी रचनाएं, तब खबर भी नहीं। वो किसके बल पर रह लेते हैं ज्ञानी गुप्त कि कोई तत्व है भीतर, भीतर जिन्हें तत्व मिल जाता है वे बाहर नहीं भटका करते। और क्या किया, सब आती जोड़े रोकने लगे पर वो रुके नहीं। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए नगरवासी, लेकिन घर की ओर गए के नहीं गए? अब तो घर से ऐसे निकल के आए कि अब नहीं जा रहे। चढ़ा रंग वैराग्य का दीक्षा ली बनवाई दिगंबर मुनिराज की, और महामुनिराज के निकट विजय कुमार गए हैं। केश लोचन किया, वस्त्रों को फेंका और दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया। उधर सेठानी विजया ने भी आरिका माता जी के निकट, आज बहुत दीक्षा हो गई भैया, कम से कम कछु नियम लेके जाइयो। जब संयम नियम भी ले रहे हैं तो हम भी कछु नियम लेकर जरूर जाएं।
साड़ी का वो श्वेत साड़ी धारण कर ली है, है? संयम कम से कम भैया ऐसा ब्रह्मचर्य ऐसी साधना ना कर पाओ तो श्रावक पद के योग्य कार्य तो करना, कम से कम जी चौराहों पर तो नहीं नाचना, कम से कम जी डीजी वीजी बजते हैं और वे क्या चलते हैं आपके आजकल, मैं पति पत्नी नाचने लगे हैं, हाँ महिला संगीत क्या कहने लगे, हमें तो कोई सुना, हम तो सुनते ही नहीं होंगे, हमें मत सुना नहीं तो हमारे प्रवचनों में अध्यात्म में अंतराय आ जाएगा, हम कहा सुनाएंगे फिर जा करके, वहां खबर नहीं, बड़े ससुर बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, वही नाच। अरे बहनों का ठीक है तुम्हारी राग की भूमि यहां, तुम त्यागी नहीं हो हम लोग अन जैसे, लेकिन बहनों का जो कार्य है वो बहनों के बीच में हो, भाइयों का कार्य हो भाइयों के बीच में हो, कम से कम जी इस प्रकार का वर्तन तो योग्य नहीं है भाई, ये मर्यादा विरुद्ध कार्य, ये हमारी संस्कृति को बिगाड़ने वाले कार्य, ये सील के विरुद्ध है, इस संस्कृति के विरुद्ध है, समझ में। इसलिए आज कम से कम अंदर में संकल्प लेकर जरूर जाना कि ऐसे कार्यों में हम शामिल नहीं होंगे, हम जगत को नहीं सुधार सकते, हम स्वयं तो सुधरे कम से कम, हमारी बहनें तो प्रतिज्ञा लें कि हम जो चौराहों पर नाच नहीं करेंगे, वहां बच्चियां नाचने लगती हैं और वे पापी लोग मोबाइल वीडियो बना रहे हैं, कहां डाल देंगे कुछ खबर नहीं, इसलिए बहना इसलिए भैया अपना सोचो, हम मैना सती के चंदना सती के अंजना सती के ऐसे महापुरुषों के वंशज हैं, इनके वंश से आए हैं हम, हैं कम से कम ऐसे जी ऐसी साधना कर सकते हैं तो कम से कम इनकी ध्वजा को लहरा ना सके तो झुकाए तो नहीं, हैं ऐसे कार्य तो ना करें जिनमें इनकी ध्वजा झुक जाए, क्या किया जा करके बेगढ़नी जी आज माता जी की संगों में गई और उन्होंने आरिका दीक्षा को बोलो आरिका विजया माता जी की, संयम धारण कर दोनों ही उत्तम गति पाते हैं, विजय एवं विजया की हम कथा भुआ तुमन, तुम कह सकते हो अंत में बस प्रेरणा है, ऐसी शक्ति तो भैया बड़ी कठिन है, अरे ऐसी शक्ति है तुम्हारे अंदर, वो आत्मन शक्ति अनंत है आत्माई, कितनी शक्ति है किसमें, आत्मा में, तुम में तो नहीं है भैया, आत्मा में है, आत्मा में है, जैसा आत्मा कोई दूसरा होता होगा है? वो आत्मा में हूं ना, ओ आत्मन शक्ति अनंत है आत्म माई, समझो कायरता छोड़ो निज बल लाओ सुखदाई, ज्ञाय के आश्रय में सहजई, तुम समझ रहे बड़ा कठिन होता होगा, आत्मा के आश्रय में ज्ञाय के आश्रय में सहजई, ऐसा जीवन जीते हैं विजय एवं विजया की हम, असी दारा व्रत की हम कथा सुनाते हैं, विजय एवं विजया की हम गाता गाते हैं, दारो ब्रह्मचर्य सुखकार सुखी जीवन का ये आधा, दारो ब्रह्मचर्य सुखकार सुखी जीवन का ये, ऐसी धारा का अर्थ होता है तलवार की धार पर चलना, समझ में है, जैसे तलवार की धार पर चलने जैसा व्रत है असी धारा व्रत, इसलिए इसको असी धारा व्रत कहा, ऐसा पालन किया उत्तम गति को प्राप्त किया।